आज स्वाति श्रीवास्तव बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। मुलायम सिंह की यादव की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। मेदांता में मुलायम सिंह यादव का उपचार चल रहा है, आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव। जीवन रक्षक दवाओं से उपचार लगातार जारी है और जो उनका मेडिकल बुलेटिन है वो जारी हुआ है। आईसीयू में इस वक्त वो भर्ती है। जीवन रक्षक दवाओं के सहारे उनका जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट है वो लगातार किया जा रहा है। जो स्थिति अभी भी स्थिर बताई जा रही है, नाजुक बताई जा रही है, और जो ट्रीटमेंट है वो लगातार चल रहा है। डॉक्टरों की जो निगरानी है वो लगातार बनी हुई है और मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। तो मुलायम सिंह यादव का जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया गया। वहीं जीवन रक्षक दवाओं से उनका उपचार लगातार किया जा रहा है। डॉक्टरों का पूरा पैनल लगातार जो नज़र है वो बनाए रखे हुआ है मुलायम सिंह यादव की सेहत पर, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि ये खबर ज़रूर बीच में आई थी कि जो पहले स्थितियाँ थी उन स्थितियों में थोड़ा सा सुधार ज़रूर आया है, कुछ बेहतर पहले से कर पाए हैं मुलायम सिंह यादव। पूरा परिवार इस वक्त मेदांता अस्पताल में मौजूद है। वहीं अखिलेश यादव ने भी समर्थकों से अपील की है कि लोग अस्पताल में ज़्यादा भीड़ न लगाएं, घरों में रह के ही मुलायम सिंह यादव के लिए लोग प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें। और स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। स्वाति, और क्या अपडेट है आपके पास मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर? देखिए, ज्यादा सुधार मुलायम सिंह यादव की सेहत में नहीं है, और आज अब से थोड़ी देर पहले जो हेल्थ बुलेटिन मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी किया गया उसके मुताबिक कि अभी भी मुलायम सिंह यादव की जो तबीयत है वो नाजुक बनी हुई है, और लगातार जो डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम है वो मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही है, और जो है रक्षा जो दवा है वो भी मुलायम सिंह यादव को लगातार दिया जा रहा है। और चूंकि लगातार डॉक्टरों की देखरेख में मुलायम सिंह यादव है, अगर इससे पहले की बात करते हैं तो जो कल हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था आज भी वैसा ही हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, यानी सेहत में कोई भी बदलाव या सुधार मुलायम सिंह यादव की नहीं देखने को मिल रहा है। भले ही डॉक्टरों की तरफ से लगातार जो है कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन मंगलवार को जरूर सेहत में सुधार देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से मुलायम सिंह यादव की स्थिति जो है लगातार नाजुक बनी हुई है। आईसीयू में मुलायम सिंह यादव इस वक्त भर्ती है, और लगातार डॉक्टरों की जो एक विशेष टीम है वो मुलायम सिंह यादव की जो है वो इलाज में जुटी हुई है, और दवाई भी मुलायम सिंह यादव को लगातार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, और सभी की नज़र इसी बात पर है कि कब मुलायम सिंह यादव जल्दी स्वस्थ होंगे, कब वो घर वापस लौटेंगे अपने समर्थकों के बीच। परिवार में कौन कौन मौजूद है इस वक्त अस्पताल में स्वाति? देखिए, परिवार से अखिलेश यादव मौजूद है, इसके साथ ही शिवपाल यादव भी मेदांता अस्पताल में मौजूद है, रामगोपाल यादव मौजूद है, और अब से थोड़ी देर पहले शरद यादव भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात किया है और मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना है कि मुलायम सिंह यादव की सेहत कैसी है। तो लगातार परिवार के जो सदस्य मौजूद है ही, इसके साथ ही जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं वो भी मेदांता अस्पताल इस वक्त पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के हालचाल को जान रहे हैं। चूंकि आज पांचवा दिन है जब मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती हैं, और लगातार जो है वो डॉक्टरों की टीम मुलायम सिंह यादव को देखरेख कर रही है, जिससे जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव जो है वो स्वस्थ होकर मेदांता अस्पताल से आ सके। और एक तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो दुआओं का दौर भी जारी है, जिससे मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। बिल्कुल स्वाति, नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। बात करेंगे लखनऊ की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज